हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हमारे साथ हैं एक पावर कपल, नितिन और अंशु। हाल ही में साउथ अफ्रीका में जो कॉम्रेड रेस, जिसको वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट रेस माना जाता है, दोनों ने कंप्लीट की है। सो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग वेलकम करना चाहेंगे नितिन का, जो अपने बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नितिन और मेरा जो रनिंग और जो साइकिलिंग का जो एक्सपीरियंस रहा है वो पिछले 2 या 2.5 साल से है। और इस बीच में मैंने रनिंग में लगभग 4 से 5 फुल मैराथन्स और 2 65 किलोमीटर अल्ट्रा और 2 कॉम्रेड्स कंप्लीट किया है। जो एक कॉम्रेड्स मैंने लास्ट ईयर किया था और एक इस साल अभी जस्ट 1 महीने पहले ही मैंने कंप्लीट किया है। ये मेरा रनिंग का है। और साइकिलिंग में मैंने सुपर एंडोनियस साल दर साल 2 बार मैंने इस टाइटल को अपने नाम किया है। सुपर एंडोनियस एक्चुअल में एक टाइटल है जो कि एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड संस्था है, ओडेक्स, जो कि फ्रांस की में इसका हेड ऑफिस है और वो उसके थ्रू ये दिया जाता है। सुपर एंडोनियस का मतलब होता है कि जो 200, 300, 400 और 600 किलोमीटर एक ही साल में कंप्लीट करता है, जो लॉन्ग साइकिलिंग है, उसे ये टाइटल दिया जाता है। तो इसे मैंने 2 बार किया है। इसके अलावा मैंने 1000 किलोमीटर की साइकिलिंग लास्ट ईयर कंप्लीट करी थी। सो 2 साल में काफ़ी कुछ कर लिया है नितिन ने, जो हमारे जैसे व्यूवर्स और हम लोग सोचते हैं पूरी ज़िंदगी भर में करना है, वो इन्होंने 2 साल में कर लिया है। काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर भी किया है और उनमें से ही एक जो पर्सन इंस्पायर हुई है वो हमारे साथ है अंशु। तो अंशु प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। हेलो व्यूवर्स, मैं अंशु। मैंने रनिंग और साइकिलिंग, जैसा कि प्रशांत ने कहा, ऑफकोर्स मेरे हस्बैंड नितिन से इंस्पायर होकर स्टार्ट किया एंड बिलीव मी उसने मुझे इतना एनर्जी बूस्ट दिया कि अब शायद रोकना मुश्किल है। तो पिछले 1.5 साल में मैंने, जैसे नितिन ने बताया कि SR सुपर एंडोनियर का जो टाइटल है, उन्हीं को देख करके मैं इंस्पायर हुई और मैंने 200, 300, 400 और 600 किलोमीटर का टारगेट कंप्लीट करके ऐसा टाइटल अचीव किया। उसके अलावा साइकिलिंग में भी मैं कुछ इवेंट्स में पोडियम फिनिशर रह चुकी हूँ। रनिंग में भी नेशनल लेवल के जो इवेंट्स हैं उनमें मैं पोडियम फिनिशर रह चुकी हूँ। और साथ ही लास्ट ईयर जब नितिन ने कॉम्रेड्स किया तो उस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और इस साल हमने एज अ कपल कॉम्रेड्स कंप्लीट किया। सो बहुत सारे कपल गोल चलते रहते हैं, टिकटॉक पे भी चलते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें, बट ये एक अलग तरह का कपल गोल है जो काफ़ी कंस्ट्रक्टिव भी है और हेल्थ के लिए खासकर काफ़ी अच्छा है। तो नितिन, आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या चीज़ थी जिससे आप इतने मोटिवेट हुए अब मतलब हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज करने के लिए? जनरली रनिंग और साइकिलिंग दोनों को ही थोड़ा सा बोरिंग एक इवेंट माना जाता है और बहुत बड़ा बैरियर भी है एंट्री के लिए, तो क्या आपको इंस्पायरिंग लगा? इसके लिए एक पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट जुड़ा हुआ है। जब मैंने ऐसे ही मैं किसी अपने एक मित्र के यहाँ बैठा था, अब वो प्रोफेशन वाइज टीचर हैं और उनको जब मैंने पूछा कि आप मॉर्निंग में कितनी बजे उठते हैं, कि उन्होंने कहा कि मैं लगभग 10 से 15 साल हो गए मुझे और मैं मॉर्निंग 5 o'clock उठ रहा हूँ। मैंने कहा 5 o'clock उठ रहे हैं, मैं तो मॉर्निंग में आज तक 7 बजे से पहले तो कभी उठा ही नहीं हूँ। तो ये एक मेरे लिए थोड़ा सा, और 15-20 साल रेगुलर हो गए क्योंकि उनको 6 o'clock क्लास लेनी होती है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे उठना चाहिए। तो मैंने एक कोशिश करी कि चलो मैं उठता हूँ। मैं उठा भी सही, 1 दिन उठा, 2 दिन उठा, 3 दिन उठा, लेकिन उठकर जब आपके पास कोई रीजन नहीं होता है तो एक्चुअल में आप वापस से अपने रूटीन पे आ जाते हैं, वही लेट उठना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे कुछ रीजन चाहिए अगर मुझे मॉर्निंग में उठना है। तो यहाँ से एक मेरे फ्रेंड ने मुझे, जो साइकिलिंग करते थे, उनको देखा मैंने, तो क्यों ना मैं साइकिलिंग करूँ। साइकिलिंग के पीछे मेरा कोई ऐसा एक मोटिवेशन, ऐसा कोई थॉट नहीं था कि मुझे बहुत अच्छे लेवल पे जाना है, कहाँ जाना है। हाँ, मैं एक फैटी सा लड़का था जो कि 88-89 उसका किलो का वजन था। ठीक है कि एक टारगेट तो था कि हाँ वेट कम करना है, लेकिन जब मैंने इसको स्टार्ट किया साइकिलिंग को, तो धीरे 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 मैंने इसको अपना, शुरुआत में एक तरह से मैंने इसको रीज़न बनाया सुबह उठने का, और फिर धीरे धीरे मेरा पेशन बनता चला गया। इसी के साथ मैंने रनिंग स्टार्ट किया
और धीरे धीरे जब मेरे 2 या 3 महीने बाद जब एक रेस हुई, उसमें मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस तरह से साइकिलिंग कर सकता हूँ और मैं उसमें फर्स्ट आया। तो जो वहाँ से जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, वहाँ पर मुझे लोगों ने अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया। तो जो एक अप्रिशिएशन जब आपको मिलता चला जाता है, तो आपके वही वो अंदर सही कुछ कहते हैं। करने के लिए एक अंदर से समझ में आता है कि आप ये भी कर सकते हैं। एक्चुअली हम इंसानों को ये नहीं पता कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो यहाँ से मैंने अपने आप को एक एक स्टेप बाय स्टेप, शुरुआत में 50 किलोमीटर साइकिलिंग, 100 से 150 गया, फिर 200, 300, स्टेप बाय स्टेप 400, और मैं अभी 1000 किलोमीटर तक चला गया हूँ। इसी तरह से रनिंग भी स्टार्ट किया, तो शुरुआत में 5 किलोमीटर से ही स्टार्ट किया था, 10, 21, 42, 65, और अब 91 किलोमीटर तक चला गया हूँ। तो ये एक अपने आप को समझने की कोशिश है कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, खुद से खुद की जंग कह सकते हैं आप इसे। सो काफी इंटरेस्टिंग चीज बताई और नितिन ने, जो बेसिकली एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाली एक्टिविटी होती है, तो इन्होंने इस तरह से लिया इसको। सो आपका क्या मोटिवेशन रहा अंशु इसके पीछे? मेरा मोटिवेशन सिंपली मैं कह सकती हूँ, स्टार्टिंग तो नितिन ने बहुत पुश किया कि अंशु तुम भी स्टार्ट करो, अच्छा लगता है ये वो। तो जैसा जनरल फीमेल्स का बहाना होता है, बच्चे हैं, फैमिली है, सुबह जल्दी उठना होता है, उन्हीं के साथ पूरा दिन निकल जाता है, तो कैसे करूँगी, मैं तो नहीं कर रही। बट एक इवेंट आया 5 किलोमीटर रनिंग का, तो नितिन ने कहा तुम कुछ मत करो, कम से कम एक इवेंट में पार्टिसिपेट कर लो। तो वो 5 किलोमीटर रनिंग की मैंने। ऐसे ही एक इवेंट आया साइकिलिंग का, जिसमें जैसा नितिन ने बताया वो फर्स्ट आए थे, उसी इवेंट में नितिन ने कहा तुम 25 किलोमीटर साइकिलिंग कर लो, मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कह रहा। मैंने किया, स्टार्ट किया। मैंने उन 2 डेज में एक डिफरेंस फील किया खुद में, कि मैं और दिनों में बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती थी। रूटीन के अकॉर्डिंग 11-12 बजे मॉर्निंग में ही मुझे ऐसा लगता था हाय तौबा मैंने कितना काम कर लिया। बट उस दिन मैं थ्रू आउट टिल इवनिंग टिल नाइट आई वॉज वेरी एक्टिव, और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। तो ये डिफरेंस जब मैंने फील किया तो मुझे समझ में आया कि ये शायद रनिंग और साइकिलिंग की ही देन थी। तो वो जो फीलिंग है वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं फिर खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाई, और ये चीज़ फिर मैंने कंटिन्यू की। इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग जो काफी ओल्ड सेइंग है कि हेल्दी बॉडी के अंदर ही हेल्दी माइंड का निवास होता है, तो ये एक चीज का एक सार्थक एग्जाम्पल्स है दोनों। अब हम लोग थोड़ा सा कॉमरेड रेस के बारे में जानेंगे। कॉमरेड रेस जैसा मतलब मैं आपसे के कनेक्शन में काफी टाइम से हूं, तो आपने जैसे पिछले साल भी की थी, तो आपने बताया था कि काफी डिफिकल्टी होती है इसको करने पे। तो इस बार की जर्नी, जैसा मैंने आपका फेसबुक पोस्ट भी पढ़ा था, उसमें काफी इस बार चैलेंजिंग हो गया आपके लिए, तो थोड़ा बिल्कुल। सा इलाबोरेट कीजिए उसको। लास्ट ईयर किया था उसमें। इसमें जो कॉम्रेड रेस होती है, एक्चुअली 1921 में ये स्टार्ट हुई थी, लगभग 100 साल पुरानी है। और ये रनिंग वर्ल्ड में एक सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैराथन, जिसे बोलते हैं प्योरेस्ट मैराथन, मानी जाती है, जिसे करने के लिए अच्छे अच्छे रनर्स का ड्रीम होता है। मैंने लास्ट ईयर किया है इसको। ये जो मैराथन होती है, एक साल पीटर मारिट्सबर्ग, जो साउथ अफ्रीका में एक सिटी है, वहाँ से और डरबन तक होती है, और अगले ही साल एक साल डरबन से और पीटर मारिट्सबर्ग के बीच में होती है। तो ये जीरो लूप मैराथन होती है, जीरो लूप अल्ट्रा मैराथन है। लास्ट ईयर मैंने किया था पीटर मारिट्सबर्ग से डरबन, जो कि एक डाउन रन रेस थी, जिसमें ज़्यादातर डाउन हिल रन किया जाता है। इस साल ये अप रन था डरबन से और पीटर माइजबर्ग के बीच। लास्ट ईयर के बारे में कहूँ तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और काफ़ी अच्छे से मैंने कंप्लीट किया था। इस साल मैं अपने साथ अंशु को लेकर गया, और इस साल मेरे साथ एक एक चीज़ और थी, मैं जो कि मेरा पिछले साल का एक्सपीरियंस था। तो इस साल मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि इस साल मैं जो है इसको अंडर 11 इसमें कर लूँगा। और मैंने जब शुरुआत किया तो मैं काफ़ी अच्छे स्तर से चला, और नियरली 50 किलोमीटर तक मैं काफ़ी अच्छे लेवल पे था। 50 किलोमीटर पे जब एक चलते चलते दौड़ते दौड़ते ही मेरा अचानक से एंकल थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया और मैं गिर गया। वहाँ पर थोड़ी देर तक तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं करूँ क्या। फिर मैंने किसी वहाँ पर जो एक लेडी खड़ी थी, उनसे मैंने कहा कि आप प्लीज़ वॉलेंटियर को बुला दीजिए, मेडिकल एक रिकवरी जो होती है उनकी। तो रिकवरी टीम आई, उन्होंने मेरा थोड़ा
थोड़ा बहुत देखा, उन्होंने कहा कि आई थिंक यू शुड क्विट। लेकिन कहते हैं ना कि हमारा जो इंडियन मेंटेलिटी होती है कि क्विट हमने सीखा नहीं है, या तो वो एक था कि मैंने कहा नहीं, क्विट ऐसे नहीं करना है, क्विट अपने आप हो जाए या अपने आप कट ऑफ निकल जाए वो अलग बात है, चलना तो स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से इन सब में मेरा लगभग 20-25 मिनट और चले गए थे, धीरे धीरे मैंने अपने स्टार्ट किया। लेकिन हाँ, इस बार जो मैंने रेस में एक चीज़ देखी, तो एक हमारे यहाँ पर हमें इस तरह का टेरेन नहीं मिलता है, हिल टेरेन, तो उस वजह से हमारी उतनी अच्छी हिल ट्रेनिंग्स नहीं हो पाती हैं। ये चीज़ मैंने वहाँ पर फेस की, और बट सब कुछ सही रहा और अंत में हमने किया। और हमारे साथ एक फ्रेंड और थे अनंत त्रिवेदी, उन्होंने भी बहुत आराम से इस रेस को कंप्लीट किया। नितिन, आपकी तो ये दूसरी बार रेस थी और यू हैड एक्सपीरियंस एट योर बैक, एंड ऑब्वियसली लाइक यू यू अटेम्प्टेड इट द फर्स्ट टाइम, एंड आई बिलीव लाइक दिस वाज द फार्देस्ट यू यस वेंट यस इन टर्म्स ऑफ अ मैराथन। सो हाउ वाज इट, मेंटली अ बिट प्रेशराइजिंग? प्रेशराइजिंग तो ऑफ कोर्स, बट साथ में खुशी थी कि जो ड्रीम मैंने लास्ट ईयर देखा था कि मुझे कॉमरेड्स करनी है नितिन के साथ, तो खुशी थी कि कुछ नया कर रहे हैं, कुछ चैलेंजिंग कर रहे हैं। बट सबसे पहला जो चैलेंज था इसके लिए, ये क्वालिफाइंग अल्ट्रा मैराथन है, आपको पहले क्वालिफाई करना होता है। कोई भी एम सर्टिफाइड मैराथन को विद इन 4 आवर्स 50 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। तो उसके लिए मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था गोवा मैराथन, बट वहाँ की ह्यूमिडिटी और भी बहुत सारे एनवायरमेंटल आस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, हालांकि मैं वहाँ पे पोडियम रही बट फिर भी मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में वी बोथ क्वालिफाइड फॉर इट, तो वो पहला हर्डल तो जा चुका था। अब थी बारी की ट्रेनिंग करनी है, और मुझे पता था कि इट्स अ अप हिल, और मैं हिल ट्रेनिंग के मामले में उस वक्त तक बहुत ज़ीरो थी। बट जैसे मेरा एक्सपीरियंस ज़ीरो था, बट इन टर्म्स ऑफ कि नितिन का एक्सपीरियंस 1 ईयर था, तो उनका एक्सपीरियंस मेरे लिए जुड़ता गया, और उन्होंने हर जगह मुझे गाइड किया कि ट्रेनिंग इस तरीके से करनी है, आपको ये डाइट लेनी है। या उसी बीच में मैंने जिम भी ज्वाइन किया, उसके पहले मैं जिम ज्वाइन नहीं कर रखा था, उस तो मुझे फील हुआ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की कमी थी, तो जिम ज्वाइन किया। तो इन चीज़ों ने मिला करके मुझे काफ़ी हद तक उस स्टार्ट पॉइंट पे खड़ा होने के लिए तैयार कर दिया था। मगर जब हम जोहानसबर्ग गए, साउथ अफ्रीका गए, और जोहानसबर्ग से फिर डरबन, और डरबन सिटी में घूमे, तो वहाँ के जो रूट्स थे वो देख करके मैं सच में डर गई थी। आप चढ़ रहे हैं स्टीप क्लाइंब, देन एकदम से डाउन हिल आ रहा है, ये बात कर रही हूँ मैं रूटीन रूट्स जो हमारे इंडिया में बहुत ही फ्लैट होते हैं, और उसके लिए सच में हमने तैयारी नहीं की थी। एक्चुअली कर नहीं पाए थे क्योंकि जैसा बताया यहाँ पे वो है ही नहीं, रूट्स नहीं है, एटलीस्ट कोटा में नहीं है। बट बात तो थी कि करना ही है, पहुँच ही गए हैं, तो वो दिन भी आया, स्टार्ट किया। 44 तक मैं चलती जा रही थी, जो कैलकुलेशंस हमने की थी कि स्पेस से चलना है वो सब किया, बट मुझे 44 पे कहीं फील हुआ कि अगर मैं इसी तरीके से चलती रही तो शायद आज मेरा कंप्लीट नहीं होगा। तो वहाँ के जो रनर्स हैं, साउथ अफ्रीका के जो रनिंग ग्रुप्स होते हैं, उनमें एक बहुत अच्छी चीज़ देखी मैंने, वो ग्रुप्स में चलते हैं और एक पर्टिकुलर म्यूज़िक, एक रिदम को पकड़ के वो बढ़ते जा रहे थे। तो ऑन द स्पॉट जो केटी कहते हैं, नॉलेज ट्रांसफ़र कह सकते हैं, जो भी है, मैंने उस चीज़ को समझा, तो वो मुझे समझ में आया कि हिल्स को हमें कैसे क्लाइंब करना है। तो उस चीज़ को फॉलो करते 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 फाइनल फिनिश लाइन तक मैं पहुँच गई। सो बेसिकली लाइक मैं व्यूअर्स को बता दूं कि 12 आवर्स इसका कट ऑफ टाइम होता है, और अंशु ने 11 आवर्स 48 मिनट्स में ये कवर किया, और नितिन ने, क्योंकि मतलब उनको इंजरी भी हो गई थी, तो उन्होंने 11 आवर्स 54 मिनट्स में इसको कवर किया। आपने अभी जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, जो विमेंस वो होते हैं बहाने होते हैं टू स्टार्ट, मतलब जो अपनी फिटनेस के लिए स्टार्ट होता है। और इंडिया में, मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एग्रीगेट लेवल पे विमेन की जो फिजिकल हेल्थ है वो डिटोरेट हो रही है, और पहले भी डिटोरेटेड थी और ज्यादा हो रही है। सो इस चीज में, और मुझे ये भी पता है कि आपके ट्विन डॉटर्स हैं, सो मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि आप व्यूअर्स को बताएं कि
किस तरह से इन सब चीजों को मैनेज किया जाता है एंड किस तरह से आपने इसको मैनेज किया? पहली चीज़ तो मुझे ये जब मैंने रनिंग और साइकिलिंग स्टार्ट की उससे 3-4 महीने पहले से ही मुझे हेल्थ प्रॉब्लम एक जनरल है 99% फीमेल्स को आफ्टर प्रेगनेंसी बीइंग मदर। जब आप मदर बनते हो तो शुरुआती जो 2 साल होते हैं बहुत डिमांडिंग होते हैं और आप 24 आवर्स आप बच्चों के लिए जी रहे होते हैं, तो उस बीच में आप काफ़ी कुछ अपनी बॉडी को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हैं और उसमें काफ़ी कुछ आपका जो स्टेमिना होता है खो जाता है। तो मुझे ये इश्यूज 3-4 मंथ पहले से ही लग रहा था। जैसे मैंने बताया मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, ऐसा रूटीन में होता नहीं है कि हम थोड़े एक्टिव रहते हैं। मैंने बहुत से डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया बट कोई कुछ सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था। तो वो जो प्रॉब्लम होती है हर किसी फीमेल के साथ आती है, मुझे सॉल्यूशन कहीं ना कहीं चाहिए था और वो मुझे मिल भी गया। तो जब मुझे वो चीज़ समझ में आ गई कि मेरे पास सॉल्यूशन है बट मुझे इसको अडेप्ट करना है। अब दिन में जब हम राजस्थान जैसी जगह में कोटा में रह रहे हैं तो आप 8 o'clock के बाद जनरली इन आउटडोर वर्कआउट्स नहीं कर सकते हैं। आप धूप में एक लेवल आ जाता है आप नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पास एकमात्र ऑप्शन था कि मुझे जल्दी उठना है और नितिन खुद 4 o'clock 5 o'clock मैक्सिमम होता है कि उठना ही है। तो मुझे वहाँ पे खुद को ही पुश करना था क्योंकि कहते हैं ना कि खुदा भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। तो मुझे दूसरों से हेल्प की एक्सपेक्टेशन से पहले ज़रूरी था कि मैं खुद के लिए खुद काम करूं। तो वो मैंने 5 बजे उठना स्टार्ट किया। इस बीच में ये और चीज़ मुझे समझ में आई कि हम जनरली बच्चों का बहाना देके टाल देते हैं कि कैसे करेंगे, बट इस जर्नी में बच्चों ने हमारी बहुत सपोर्ट किया। इनडायरेक्टली उन्हें भी नहीं पता वो सपोर्ट कर रहे हैं बट वो सोते रहते हैं और मैं उनके उठने से पहले ही वर्कआउट कंप्लीट करके, कोशिश ऐसी रहती है कि 6-7 बजे तक जो उनका स्कूल का टाइम होता है उससे पहले ही आ जाती हूँ। तो शुरुआत में मुझे ज़रूर कठिनाइयाँ आई कि आप 5 रात को ऑफकोर्स बच्चों के साथ आप टाइमली नहीं सो पाते हैं, बट एनी हाउ मैंने खुद को पुश किया कि 9 to 10 o'clock बच्चों को भी सुला दें और खुद भी सो जाएं और 5 o'clock उठें। तो ये फैक्ट है कि हर एक इंसान के पास ये वक्त खुद का ही है। सुबह 5 बजे उठ करके आपसे कोई भी नहीं कहेगा कि ये मेरा काम है वो कर दो, वो जो वक्त है वो आपका है। तो ये वक्त हर एक फीमेल मेल कोई भी हो किसी भी उम्र का हो हर किसी के पास है। तो वो फैक्ट मैंने उस वक्त जान लिया। तो यही चीज़ मैं, और उसके बाद बिलीव मी जब आप ये कदम उठाते हैं ये स्टेप उठाते हैं तो आप जॉइंट फैमिली में हो न्यूक्लियर फैमिली में हो कितने हज़ारों कामों के साथ हो, जब ये समझ में आता है कि ये अपनी हेल्थ के लिए एक्टिव है तो आपके आसपास के लोग भी आपको हेल्प करने लगते हैं। तो ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड का हेल्प सपोर्ट सबसे ज़्यादा रहा और फिर फैमिली के लिए शुरुआत में थोड़ा पागलपन सा था कि क्या है ये, बट जब उन्होंने हमारा पैशन देखा तो दे वर टू विद अस। और ये सबके साथ ही होता है, ऐसा नहीं है आई एम ब्लेस्ड बट एवरी फीमेल एवरी वन इज़ ब्लेस्ड, बट उसके लिए आपको खुद को पहले एक्टिव होना होगा। सो बेसिकली अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये एक काफ़ी अच्छा मोटो है एक हेल्दी लाइफ के लिए। और अर्ली टू बेड तो नहीं हो पाता बच्चों के साथ, बट अर्ली टू राइज करना, जैसा अंशु ने बताया कि ये आपके हाथ में, कोई आपको बोलेगा नहीं कि आपको 5 बजे उठना है। जैसा नितिन ने भी बताया कि कोई मोटिवेशन नहीं होता, मतलब आपको खुद ही मोटिवेट होके 5 बजे उठना होता है। एंड जो चीज़ अंशु ने बताई वो उसी को मैं भी रीइन्फोर्स करना चाहूंगा कि लाइक जो जिस तरह से नितिन ने सपोर्ट किया है अपनी वाइफ को, सो लाइक इट इज लाइक एन एपिटोम ऑफ शिवलरी। तो मतलब आई वुड लाइक टू मतलब लाइक लाइक टू क्लैप फॉर थैंक आई वुड आल्सो लाइक टू डू दैट, बिकॉज लाइक इट इज समथिंग व्हिच नॉट एवरीबडी डज, स्पेशली इन पैट्रियार्कल सोसाइटी लाइक इंडिया जहाँ पे बहुत मतलब पुरानी चीजों को लेके, जो ढकोसले वाली चीजें होती हैं उनको लेके किसी ना किसी तरीके से फीमेल्स को पीछे रखा जाता है। सो ये काफी अच्छी चीज है। अच्छा अब आप मेरे को ये चीज बताइए कि डेफिनेटली दिस विल नॉट बी द एंड ऑफ योर फिटनेस जर्नी, तो आगे आपने क्या सोचा है? नितिन आपसे स्टार्ट करते हैं। मेरा तो अभी वापस से ऑल द बेस्ट कहने के लिए मैं रेडी हूँ क्योंकि 18 अगस्त को मेरा एक इवेंट होने जा रहा है पेरिस में। ये इवेंट है ओके और
1200 किलोमीटर का साइकिलिंग इवेंट है जिसे हम पीबीपी बोलते हैं, पेरिस ब्रेस्ट पेरिस, और ये 4 साल में एक बार होता है। ओके इससे वर्ल्ड पहले कप 2015 में हुआ था के। और अभी 2019 में हो रहा है, तो इस इवेंट के लिए मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। मेरी सारी लगभग तैयारियाँ अभी चल रही हैं, अभी शॉर्ट टारगेट तो मेरा यही है। तो काफी मतलब काफी अच्छा टारगेट है। सो इट्स अ 1200 किलोमीटर साइकिलिंग इवेंट यस, एंड लाइक व्हाट इज द कट ऑफ टाइम फॉर इट? इट्स 90 आवर्स। 90 आवर्स। तो 90 आवर्स में करना है 1200 किलोमीटर। तो अब आप समझ सकते हैं इसके अंदर कुछ रातें भी आएंगी जब हम लोग यहाँ पे सो रहे होंगे और ये वहाँ पे साइकिलिंग कर रहे होंगे। सो मतलब जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तरफ से मैं नितिन को बेस्ट विशेस कहना चाहूँगा धन्यवाद। ताकि वो अपने इस एंडेवर में भी सक्सेस होके इंडिया का नाम रोशन करें। अंशु आपके आगे क्या टारगेट्स हैं? टारगेट्स अभी ऐसे कोई बिग टारगेट नहीं है, बट मेरे लिए वो बड़ा बिग है। एक्चुअली मैराथन टाइमिंग जो अभी तक का मेरा बेस्ट है, दैट इज़ 4 आवर 40 मिनट्स। तो अब जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कॉमरेड्स में देखा कि आई वाज ऑन द मार्जिन, क्योंकि कुछ ट्रेनिंग की कमी थी और भी कुछ चीज़ें रही जो मुझे महसूस हुई। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगले 3-4 मंथ में मैं अपने मैराथन टाइमिंग को सब 4 आवर्स कर लूँ। दैट इज़ ओके ऑल्सो अ बेंच मार्क कि आपको 4 आवर्स के अंदर मैराथन कंप्लीट करनी है। और अगर ये हो जाता है, आई होप कि ये हो जाए, उसके बाद 12 आवर स्टेडियम रन होते हैं, 12 आवर एंड 24 आवर। तो फर्स्ट जो मेरा टारगेट रहेगा पर्टिकुलर किलोमीटर्स इन द 12 आवर स्टेडियम रन, वो मेरा करने का रहेगा। तो लगभग ये फेब्रुअरी तक का मेरा टारगेट है। तो मतलब काफी अच्छी ट्रेनिंग्स भी आप इसलिए कर रहे होंगे। तो जैसे कि बताया, देखिए पॉइंट ये होता है हर एक इंसान की लाइफ में एक मोटिवेशन होता है। जैसा जो नितिन की बात से लग रहा है 2019 में एक इवेंट होना था उसके लिए इन्होंने, ऐसा नहीं है कि 2019 में प्रिपेयर किया हुआ, 2018 में कुछ क्वालिफिकेशंस किए होंगे, कुछ 2017 में किए होंगे। तो ये एक ऐसी जर्नी है जिसके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को पता चली है क्योंकि जनरली हम लोग हेल्थ को अपने काम के पीछे, अपने बच्चों के पीछे या किसी भी रीजन से हम लोग सेकेंडरी कर देते हैं। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और नितिन और अंशु की दो बहुत ब्यूटीफुल डॉटर्स हैं जिनका नाम है तिथि एंड तुष्टि, जिनके नाम से मेरे हिसाब से अंशु का यूट्यूब चैनल है टी टू लर्निंग। और टी टू लर्निंग में ये खुद मतलब एनिमेशन करके छोटे बच्चों के लिए वीडियोस बनाती हैं जो काफी हेल्पफुल हैं। तो आप लोग भी, आप लोग के सर्कल में भी अगर किसी के भी छोटे बच्चे हैं मतलब 2 ईयर से लेकर 5 ईयर्स तक, आई बिलीव दैट इज द एज ग्रुप विच यू आर केटरिंग, तो इस एज ग्रुप में तो आप प्लीज ये वीडियो चैनल प्लीज रिकमेंड कीजिए टी टू लर्निंग, और इसमें काफी अच्छे अच्छे वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। अब आप मेरे को ये चीज बताइए कि एक अगर पर्टिकुलर मैसेज आपको हमारे व्यूअर्स को देना है तो आप क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नितिन से। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि कुछ भी हो लाइफ में, सबसे पहले जरूरत है हेल्थ की। अगर हेल्थ है तो सब है। और अगर आपका हेल्थ है, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठकर किसी भी एक्टिविटी, मैं ये नहीं कहता कि आप, मैं रनिंग करता हूँ साइकिलिंग करता हूँ, तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप रनिंग करिए साइकिलिंग की, आपकी इच्छा पड़े जो करिए, लेकिन हेल्थ को बनाए रखने के लिए, फिटनेस को बनाए रखने के लिए कुछ भी स्पोर्ट चुनिए, यकीन मानिए सुबह के आपके 1 या 2 घंटे होंगे ना, वो अगर आप अपने आप को खुद को देंगे तो इससे बढ़िया दिन आपके लिए नहीं होगा। क्योंकि आप उस 2 घंटे में आप अपने आप से बातें करते हैं, आप अपने लिए वो दिन दे रहे हैं, और आप आगे पूरे दिन भर क्या करने वाले हैं वो आप अपने अपने मन में ही सोच लेते हैं और अपने आगे की प्लानिंग कर लेते हैं। तो हेल्थ है तो सब है, वरना आप कितना भी वेल्थ ले लें, कोई कुछ नहीं हेल्थ होगा। इज अर्थ बेसिकली। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, मुझसे लोग अक्सर ये, जब मैं बताती हूँ कि मेरी जर्नी ऐसी है फिटनेस की, तो एक जनरल सा क्वेश्चन होता है कि आप इतने पतले हो तो इतनी दौड़ भाग क्यों? तो मेरा जवाब बस इतना है कि मैं उस वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहती जिस दिन मुझे उसकी नौबत आए या मुझे उसके लिए भागना प्रिवेंशन इज बेटर पड़े, देन क्योर। मजबूरी में तो करना पड़े। हाँ, मजबूरी में प्रिवेंशन इज नहीं। बेटर देन क्योर। हाँ, यस तो इट्स बेटर कि आप आज ही जागें, कल तो कभी भी नहीं आता है। और एक अकेले नहीं, आप
जब एक अकेले बढ़ते हैं तो आपके साथ 10 लोग और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमारी फैमिली में भी हुआ, नितिन ने स्टार्ट किया उसके पीछे पीछे सब, किसी ना किसी वे में, ऐसा नहीं रनिंग ही है, साइकिलिंग ही है, कोई योगा कर रहा है, कोई जिम में फिट है या हाँ घर पे भैया कर रहे मिलते थे हैं, मेरे को जिम में। तो हर कोई आपके साथ 10 लोग और जुड़ जाते हैं, तो एक अगर हम एक हेल्दी कम्युनिटी बना रहे हैं तो वो एक फ्रेश माइंड, पॉजिटिव थॉट्स भी हमारे पास आते हैं, तो बीइंग फिट बिफोर द डे कम कि हम यस मजबूरी में करें, मेरा बस इतना सा मैसेज है। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूं कि नितिन ने केवल खुद को फिट नहीं रखा है, इन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज कोटा में ऐसी की हैं जिससे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिला है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने का, और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी करवाए हैं जिनको कोटा की पब्लिक ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। सो फ्रॉम माय व्यूअर्स एंड माय सेल्फ आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू अगेन फॉर दी वंडरफुल फीट, एंड हम लोग सब यही चाहते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही हमारा नाम भी रोशन करते रहे और अपना नाम भी रोशन करते रहे। धन्यवाद। थैंक यू।